लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में क्या फर्क है और ये एड्रेस स्पेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हमें नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में जो आगे पेजिंग पढ़ना है उसके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एड्रेस क्या है? एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। फॉर एग्जांपल आपका सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोसेस पड़ा है, ठीक है, या फिर आप इधर ही देख लो, ये डायग्राम को आप भूल लो, इधर ही देख लो, P1 प्रोसेस पड़ा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, और सीपीयू ने, सीपीयू बेसिकली इसको किसी एड्रेस से बुलाएगा, है ना, उसको पता होगा कि ये किस एड्रेस में पड़ा है, उस हिसाब से तो वो इसको एक लॉजिकल एड्रेस देगा इस प्रोसेस को। लेकिन जब ये प्रोसेस मेन मेमोरी में चला जाएगा तो इसके कुछ हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि हमने जाना था कि जब हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में तो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं उस प्रोसेस के। तो मान लो पहला हिस्सा हो गया, सेकंड हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया मेन मेमोरी में इस तरीके से, तो आधा प्रोसेस यहाँ पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है, तो अब वो बन गया हमारा फिजिकल एड्रेस, क्योंकि हमें उसको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा ताकि हम असली प्रोसेस को अभी भी एक्सेस कर पाएं, बटने के बाद भी उसको एक्सेस कर पाएं। वो है हमारा फिजिकल एड्रेस, असली एड्रेस जहाँ पे हमारा प्रोसेस पड़ा है मेन मेमोरी में। लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी बोल देते हैं, ये जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है वर्चुअल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस तो फिजिकल एड्रेस ही है, उसका कोई ऐसा कोई नाम नहीं है। एड्रेस स्पेस क्या है? एड्रेस स्पेस है सेट ऑफ ऑल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे एड्रेसेस जनरेट करेगा, ऐसा थोड़ी है कि एक ही एड्रेस जनरेट करेगा, बहुत सारे करेगा, तो सबका अगर हम सेट में डाल के इस तरीके से सेट में डाल के सारे एड्रेसेस लिख लें तो वो हमारा क्या हो गया? एड्रेस स्पेस हो गया, बेसिकली सारे के सारे एड्रेसेस, ठीक है, ये कोई बहुत ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। अब आप यहाँ पर समझे, फॉर एग्जाम्पल आपका लॉजिकल एड्रेस था 346, लेकिन मेन मेमोरी में वो प्रोसेस जो है वो मान लीजिए कि इस तरीके से बहुत बड़ी मेन मेमोरी जो है उसके अंदर कहीं 14,000 एड्रेस के बाद वो प्रोसेस भरना हुआ है, भरना चालू हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोसेस था इस तरीके से, 1, 2, 3, फर्स्ट एड्रेस पे पड़ा था, सेकंड पे पड़ा था, थर्ड पे पड़ा था, लेकिन मेन मेमोरी के अंदर वो क्या है, 14,000 के बाद 14,001 पे पड़ा है, फिर 14,002 पे पड़ा है, फिर 14,003 पे पड़ा है। तो ये बहुत सिंपल सा बस एग्जांपल आपको बताया कि लॉजिकल एड्रेस मान लो 346 था तो मेन मेमोरी में उसका एड्रेस हो गया 14346, ठीक है, 14,000 में 346 प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हार्डवेयर का और ऑपरेटिंग सिस्टम का सबका यूज करके हमें सही एड्रेस पता चलता है कि अब असली में प्रोसेस कहाँ पड़ा है, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिकली यूजर प्रोग्राम जो है ना, यूजर प्रोग्राम को सिर्फ लॉजिकल एड्रेस से मतलब है, अब प्रोसेस मेमोरी में कहाँ गया है उससे उसको मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूजर प्रोग्राम कुछ चेंजेस जो भी करना चाहता है वो लॉजिकल एड्रेस में बताएगा कि मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ। फिजिकल एड्रेस में वो कैसे चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसको कन्वर्ट करके फिजिकल एड्रेस में उस वो चेंजेस करेगा। फॉर एग्जांपल इसने बताया कि मैं इस लॉजिकल एड्रेस पे ये चेंजेस करना चाहता हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑटोमेटिकली इस एड्रेस पे वो चेंजेस करेगा, ठीक है। तो ये प्लस का सिंबल है कि 14,000 प्लस हो जा रहा है। इस तरीके से बस इसका एक डायग्राम मैंने बनाया, अगर आपको एग्जाम में कभी आया कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को समझाएं थोड़ा सा तो इस तरीके से एक डायग्राम बना दें और समझा दें। डायनामिक रिलोकेशन यूजिंग रिलोकेशन रजिस्टर, बेसिकली रिलोकेट कर रहे हैं ना मैटर्स को, इसलिए इस डायग्राम का नाम रखा है डायनामिक रिलोकेशन यूजिंग रिलोकेशन रजिस्टर। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपको एक बेसिक सी बात बताइए लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में क्या फर्क है। स्वैपिंग पढ़ने से पहले हम दो और बातें जान लेते हैं कि यूजर प्रोग्राम सिर्फ लॉजिकल एड्रेस से डील करता है, यूजर प्रोग्राम डील्स विद लॉजिकल एड्रेस ओनली भी लिख ले चाहे आप, ठीक है। यूजर प्रोग्राम को फिजिकल एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, फिजिकल एड्रेस अपने आप कन्वर्ट करके आपको पता लगाए आपका हार्डवेयर जो भी, ठीक है। यूजर प्रोग्राम में तो बता दिया इस लॉजिकल एड्रेस पे ये चेंजेस करने हैं या ये इनपुट आउटपुट करनी है जो भी करना है, फिजिकल एड्रेस में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। MMU मतलब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, वही जो मैंने आपको पिछला डायग्राम बताया था उस हिसाब से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है फिजिकल एड्रेस पता लगाना। अब स्वैपिंग क्या है? अ प्रोसेस कैन बी स्वैप टेम्पररीली आउट ऑफ मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर एंड देयर ब्रॉट बैक इनटू मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन। अब मान लीजिए आपकी मेन मेमोरी के अंदर ये P1 प्रोसेस पड़ा है, लेकिन और भी प्रोसेसेस हो सकते हैं, वैसे P1 के साथ P3, P4, P5 और भी प्रोसेसेस पड़े हैं, कुछ जगह तो OS ने ले ली, कुछ जगह बची हुई जो जगह है उसके अंदर ये प्रोसेसेस पड़े हैं, तो अब P1 प्रोसेस भी पड़ा है और ये प्रोसेसेस भी पड़े हैं। अब हमें पता चल गया कि P1 जो है ना उसकी वो भी लो प्रायोरिटी पे है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने की अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, और बाकी सारे ये वाले प्रोसेसेस तो हमारे चल ही रहे हैं P3, P4, P5, तो हम क्या करेंगे, हमें एक और प्रोसेस भी लेकिन अंदर घुसाना है, P2 को भी हमें अंदर घुसाना है, तो हम क्या करेंगे, P1 क्योंकि अभी लो प्रायोरिटी पे है तो उसको बाहर ले आएंगे और P2 को अंदर ले लेंगे। जहाँ पे बाहर लाएंगे ना वो है बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर का मतलब है यहाँ पे प्रोसेसेस पड़े रहते हैं इस तरीके से कि अंदर का कोई प्रोसेस बाहर आ सकता है, और जो हाई प्रायोरिटी का है, P2 मान लो अभी हाई प्रायोरिटी पे है P1 के मुकाबले, तो P2 अंदर चला गया, P1 बाहर आ गया, जब P2 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो P2 मेन मेमोरी से बाहर चला जाएगा और फिर P1 अंदर आ जाएगा। तो बैकिंग स्टोर का यही काम है कि इसके अंदर इस तरीके से प्रोसेसेस बाहर आ जा सकते हैं।
A process can be swapped temporarily out of memory to a backing store. Temporary swapping है, P1 बाहर गया क्योंकि P2 के लिए जगह बनानी है, लेकिन जब P2 successfully execute हो जाएगा तो P1 अपना काम करेगा वापसी आगे, वो execute होगा successfully. Temporarily बाहर गया है वो, क्योंकि कुछ और हमें urgent काम आ गया. And then brought back into memory for continued execution. बाद में उसको वापसी बुला लेंगे. अब backing store के कुछ characteristics देख लेते हैं. It is a fast disk. मतलब ये कोई main memory का part नहीं है, एक तरीके से आपकी जो hard disk है उसी का part है. मस्ट बी लार्ज इनफ, इसके अंदर जगह होनी चाहिए कि प्रोसेसिस मतलब आ सकें और फिर अंदर वाले जैसे बाहर जा रहे हैं तो और जगह बन जाएगी, फिर और प्रोसेसिस आ जाएंगे. इस तरीके से जगह इसमें लार्ज इनफ होना चाहिए. मस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल यूजर्स. अब इसमें क्या है कि जो मेन मेमोरी में हमारे प्रोसेसिस है ना, P1, P2, जितने भी P3, P4, वो सारे हो सकता है कि अलग अलग यूजर्स ने कर रखे हैं. P1 यूजर 1 का हो, P2 यूजर 2 का हो सकता है. तो बैकिंग स्टोर भी उस हिसाब से यूजर्स एक्सेस कर पाए. मान लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि P2 यूजर 2 का है लेकिन बैकिंग स्टोर को सिर्फ 1 यूजर 1 ही एक्सेस कर सकता है, 2 एक्सेस नहीं कर पा रहा. ऐसा नहीं होना चाहिए, हर यूजर उस हिसाब से एक्सेस कर पाए, डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए. ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाए 2-2.5 नंबर में तो आप लिख सकते हो. स्टार पॉइंट आप देखिए, द सिस्टम मेंटेंस अ रेडी क्यू कंसिस्टिंग ऑफ ओनली प्रोसेसेस हुज मेमोरी इमेजेस आर इन द बैकिंग स्टोर, BS मतलब बैकिंग स्टोर, और इन मेन मेमोरी, MM मतलब मेन मेमोरी, एंड आर रेडी टू रन. अब सिस्टम के पास में एक रेडी क्यू होता है, बेसिकली एक लिस्ट होती है कि मेरे को कौन कौन से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने हैं, जैसे P1 करना है, फिर P6 करना है, फिर P2 करना है, फिर P8 करना है, इस तरीके से उसके पास लिस्ट होती है. ठीक है, ये उन प्रोसेसेस लिस्ट होती है जो मेन मेमोरी में है या तो या फिर बैकिंग स्टोर में है. इस तरीके से उसके पास लिस्ट होती है पूरी, कि मेन मेमोरी में प्रोसेसेस हैं, बैकिंग स्टोर में, किस हिसाब से उसके पास पूरी लिस्ट होती है सिस्टम के पास, एक क्यू मेंटेन हो रहा होता है. अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, थोड़ा और देखेंगे चीज़ें कैसे काम होती है. मैंने आपको बता दिया क्यू मेंटेन्ड है कि किस हिसाब से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अब सीपीयू को जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है ना, वो डिस्पैचर को कॉल करता है. डिस्पैचर क्या करता है, चेक्स वेदर द नेक्स्ट प्रोसेस इन द क्यू इज इन मेमोरी. अब मान लीजिए इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि P1, P2, P6, P4 जो भी प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज्ड है कि किस हिसाब से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करना है. अब P1 मान लो एग्जीक्यूट हो गया, P2 एग्जीक्यूट हो गया, अब हमें P6 एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट प्रोसेस, तो चेक करेगा कि मेन मेमोरी में पड़ा है कि बैकिंग स्टोर में पड़ा है. अब मेन मेमोरी में मान लो P6 पड़ा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको एग्जीक्यूट कर दो, मेन मेमोरी में पड़ा है. लेकिन अगर ये मेन मेमोरी में ना पड़ा होगा, बैकिंग स्टोर पे अगर पड़ा होता P6, तब इसको हमें मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने से पहले. तो अगर होता तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता, इफ नॉट एंड देर इज नो फ्री मेमोरी, अब नहीं होता तो ले आते. लेकिन अगर मान लो जगह ही नहीं है एंड देर इज नो मेमोरी, था तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया, नहीं था तो ले आए. लेकिन अगर लाने की जगह ही नहीं है एंड देर इज नो फ्री मेमोरी, डिस्पैचर स्वैप्स आउट अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस एंड स्वैप्स इन द डिजायर्ड प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को अंदर लाने के लिए किसी और प्रोसेस को बाहर निकालना पड़ेगा जो लो प्रायोरिटी का हमारा दूसरा प्रोसेस है. अब स्वैपिंग में ना कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे किसी भी प्रोसेस को अंदर बाहर इतनी आसानी से नहीं कर सकते यार. अ प्रोसेस मस्ट बी कम्प्लीटली आइडल बिफोर स्वैपिंग. जिस प्रोसेस को आप बाहर निकाल रहे हो वो कम्प्लीटली आइडल होना चाहिए. कम्प्लीटली आइडल का मतलब है जैसे कि उसमें कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म ना हो रहा हो, या फिर ऐसा ना हो कि आप उस प्रोसेस को बाहर निकाल दो और जो दूसरा प्रोसेस उसकी जगह अंदर आ रहा है वो इस प्रोसेस की जो एड्रेस स्पेस थी, इस प्रोसेस की जो भी बेसिकली इनपुट आउटपुट थी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे या कोई और किसी और तरीके की दिक्कत आ जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए, आइडल प्रोसेस के साथ ही छेड़छाड़ करनी चाहिए स्वैपिंग. और या फिर दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि else it cannot be swapped, अगर वो प्रोसेस आइडल नहीं है तो वो स्वैप फिर नहीं किया जा सकता. ये कुछ बेसिक बात थी स्वैपिंग की. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेजिंग की बात करेंगे, जो हमारा नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात होगी कि पेजिंग किस तरीके से होती है, क्या हमारे पास प्रोसेस है, और एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच.